आप इस बात से जरूर सहमत होंगे कि आज का युवा जागरूक है और देश में क्या चल रहा है यह उसे बेहतर पता है, और जब भी समय आया है युवाओं ने साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। 90 के दशक की फिल्म कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए अत्याचार को दर्शाती ये फिल्म द कश्मीर फाइल्स हर पल, हर मिनट, हर घंटे, हर घड़ी सफलताओं के झंडे गाड़ रही है। ऐसे में द कश्मीर फाइल्स को नीचे ले जाने के लिए तमाम प्रकार के हथकंडे विरोधियों द्वारा अपनाए जा रहे हैं। कुछ लोग इस फिल्म की लिंक निकालकर व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया ग्रुप्स पर शेयर कर रहे हैं, जिससे इस फिल्म की कमाई घट जाए और फिल्म फ्लॉप वाली श्रेणी में चली जाए। इसके अलावा भी एक और अनयूजुअल अनइथिकल तरीका इस मूवी के खिलाफ की जा रही साजिशों के तौर पे अपनाई जा रही है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। द कश्मीर फाइल्स मूवी के खिलाफ एक बड़ी साजिश, जिससे द कश्मीर फाइल्स की लोकप्रियता विश्व पटल पर फीकी पड़ जाए, ऐसी गतिविधियां की जा रही हैं। आपको बता दें, किसी फिल्म की जो लोकप्रियता है वो जानने के लिए उसको एक रेटिंग दी जाती है, और जिससे उसे पता चलता है कि ये फिल्म किस श्रेणी में गई है। द कश्मीर फाइल शुरुआत के 3 दिनों में ही रेटिंग में अभी तक की फिल्मों में सबसे ऊपर की श्रेणी में दर्शकों ने इसे रखा है, क्योंकि ये फिल्म नहीं सच्चाई है। लेकिन कल रात इस फिल्म की अचानक जो रेटिंग है वो घटने लगी। 5,000 लोगों ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म की IMDb पर इसकी रेटिंग घटानी शुरू कर दी। फिलहाल मूवी की जो रेटिंग थी वो 99% 10% पर थी, जबकि IMDb पर अगर आप रेटिंग देखेंगे तो 99% लोगों ने इसे 10 में से 10 नंबर दिए हैं। तो वहीं सबसे नीचे आप देखेंगे तो अचानक 5,350 लोगों ने इसे सबसे घटिया दर्जे की फिल्म बताते हुए बॉटम पर ले जाने के लिए 1 पर रेटिंग दे दी है। आपको पता है, जबकि कल शाम 1 नंबर रेटिंग पे हजार से भी संख्या कम थी, जो अचानक बढ़कर 5,000 के पार चली गई है। इसका मतलब यह हुआ कि यह फिल्म सही जगह पर काम कर रही है और इसकी सच्चाई उन लोगों को नहीं भा रही है जिनके बाप दादा या उनके रिश्तेदारों ने इस कुकर्म को अंजाम दिया था। इस फिल्म की लोकप्रियता से आज जिहादी घबराए हुए हैं और उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि यह फिल्म पूरे विश्व में पहले दर्जे की फिल्म बनती जा रही है, जिसे लोगों ने अपने दिलो दिमाग पर ले लिया है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि रेटिंग्स तो उन फिल्मों को दी जाती है जो मनोरंजक होती हैं, और यह फिल्म नहीं सच्चाई है जिसे हर हिंदू देखना चाहता है। और अब तो सरकारों ने इसे टैक्स फ्री भी करना शुरू कर दिया है, और इसे विश्व की सबसे बड़ी फिल्म और सफल फिल्म होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि देश की जनता और देश का हर एक हिंदू इस फिल्म को जरूर देखेगा।